छतरपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने लूट के 10,000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी नफीस नट को गिरफ्तार किया है। 18 अगस्त 2024 को थाना कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड रोड में पान मसाला व्यापारी कृष्ण कुमार अग्रवाल की लूट संबंधी सूचना प्राप्त होने पर मौके पर शीघ्र पुलिस टीम पहुंची थी। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए गए थे, मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया और रिपोर्ट पर थाना कोतवाली ने BNS के तहत लूट का अपराध पंजीबद्ध किया था। शहर के चौराहे और सार्वजनिक स्थल दुकानों इत्यादि के CCTV कैमरे चेक किए गए थे और फुटेज व सक्रिय मुखबिर तंत्र से एकत्रित सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु तो पुलिस अधीक्षक अगम जैन के द्वारा 10,000 रुपये के इनाम की उद्घोषणा भी की गई थी। लूट करने वाले 7 आरोपियों को पूर्व में ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इस घटना के मुख्य आरोपी नफीस नट को जो फरार था, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी। मुख्य आरोपी जो लूट के दौरान मोटरसाइकिल में बैठा चौथा आरोपी था, उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 2.5 लाख रुपए नकद, घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार 12 बोर देसी कट्टा जब्त किया गया है। उक्त लूट किए गए रुपयों में से 2 एंड्रॉयड मोबाइल भी खरीदे गए थे, वो भी बरामद किए गए हैं। ये आपके संज्ञान में है कि 18 अगस्त को एक बड़ी घटना हुई थी, जो कि दिन की घटना थी, सनसनीखेज घटना थी और शहर के व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। सभी वरिष्ठ अधिकारी स्पॉट में भी गए थे और SP सर, DIG सर, सभी ने हमें गाइड किया था और इसमें हमने CSP अमन जो है उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई थी और पूर्व में ऑलरेडी 7 एक्यूज हम पकड़ चुके थे, जिनसे करीब 13,14,000 की रिकवरी हो चुकी थी। इसमें वन ऑफ दी जो मेन एक्यूज था, जो व्हीकल में साथ में था नफीस, उसको हमने राउंड अप किया है और उसके पास से करीब 2.5 लाख रुपए, 2 एंड्रॉयड फ़ोन और कट्टा रिकवर हुआ है। और इसी इन्वेस्टिगेशन में हमें जब आगे बातचीत पता लगे, उसका भाई भी इसमें इन्वॉल्व है जिसमें रेकी कर रहा था, उसका नाम भी हम इस इन्वेस्टिगेशन में बढ़ा रहे हैं और इसमें रिकवरी भी हमारी ऑलमोस्ट थोड़ी सी बची है, 90% से ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है इसमें।